हाथरस गैंग रेप केस को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने दोषियों को जल्द से जल्द भविष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला दंड देने की बात कही है। वहीं प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन 5 निलंबित पुलिसकर्मियों की लिस्ट में हाथरस एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम सबत, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, एसआई जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल का नाम शामिल है। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद अब विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों समेत अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हाथरस प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है और इसीलिए देर शाम अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम ऑफिस मंगवाई गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला सुनाया है। इस पूरे केस में हाथरस के जिला अधिकारी प्रवीण कुमार और एसपी ने जिस तरह से कार्यवाही की है, उसके बाद से ही वो निशाने पर है। डीएम प्रवीण कुमार पर तो गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गुरुवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। हाथरस के डीएम कह रहे हैं कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे लेकिन प्रशासन को यहीं रहना है। हाथरस के पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है, केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए ये ऑडियो। अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है। तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुमको कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई रहेगी? हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाए, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश ना करें, देश देख रहा है, सीएम योगी इस्तीफा दो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।